नाउ वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोगों ने ये डिस्कस किया हेमिकॉर्डेटा के बेलन और ग्लासेस स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिजेंबलेंस कि कौन से ऐसे फीचर्स थे हेमिकॉर्डेटा के जो कॉर्डेट से मैच करते थे और कौन से ऐसे करेक्टर्स थे जो कॉर्डेट से डिफर थे। तो रिजेंबलेंस में आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए रिजेंबलेंस विथ कॉर्डेट, राइट। कौन कौन से फीचर थे जो मैच करते थे कॉर्डेटा से? तो पहला फीचर जो मैच करता है कि इस प्राइमरी जो कॉर्डेट स्ट्रक्चर है वो पाए जाते थे जैसे गिल स्लिट, नोटोकॉर्ड और एंड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये तीन फीचर मैच करते हैं। फर्स्ट द प्रेजेंस ऑफ, लिख लीजिए ये पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, दूसरा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये पाया जाता है। थर्ड जो रिजेंबलेंस है द प्रेजेंस ऑफ हॉलो नर्व कॉर्ड। हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ये तीन वो कैरेक्टर्स हैं जो इनको किससे मैच करते हैं, कॉर्डेटा से बिलोंग कराते हैं। नाउ लुक एट द कैरेक्टर्स जो इनसे बिलोंग नहीं करते, यानी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कॉर्डेटा से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते। तो लिख लीजिए हेडिंग डिफर फ्रॉम कॉर्डेटा, वो कैरेक्टर्स जो बिल्कुल डिफर है। फर्स्ट यहाँ पर सिफिलाइजेशन नहीं पाया जाता, यानी हेड रीजन नहीं पाया जाता। दूसरा मेटामेरिज्म नहीं पाया जाता, यानी बॉडी का सेगमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। पेयर्ड अपेंडिसेस नहीं है, टेल्स नहीं पाए जाते, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है, क्लोइका नहीं पाए जाते। दीज आर सर्टेन फीचर्स जो कॉर्डेट से डिफर है। तो वन बाई वन लिखते हैं। फर्स्ट लैक ऑफ सिफिलाइजेशन, सिफिलाइजेशन यानी हेड। नेक्स्ट लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म, तीसरा लैक ऑफ टेल, टेल नहीं पाया जाता। फोर्थ है लैक ऑफ पेयर्ड अपेंडिसेस, अपेंडिसेस नहीं पाए जाते, राइट। दे डोंट हैव क्लोइका एवन, क्लोइका नहीं पाया जाता। फिफ्थ क्लोइका एब्सेंट। नेक्स्ट फीचर दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एंडोस्केलेटन, यहाँ पर एंडोस्केलेटन नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, आरबीसी नहीं पाया जाता। एंडोस्केलेटन आरबीसी राइट प्लस हीमोग्लोबिन आर ऑल या ऑल आर एब्सेंट, ऑल आर एब्सेंट। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो इनको कॉर्डेट से अलग करते हैं, राइट। तो रिजेंबलेंस आपको थ्री या फोर ही मिलते हैं, बाकी डिसरिजेंबलेंस बहुत सारे हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द बेलोनोग्लासेस हेमिकॉर्डेट्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा।
सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूरोकॉर्डेटा। द बॉडी इज अनसेगमेंटेड, यहाँ पर भी बॉडी अनसेगमेंटेड पाई जाती है। यूजली दे डू नॉट हैव टेल एंड द होल बॉडी इज कवर्ड इन अ टेस्ट बाई अ टेस्ट, जिसे हम ट्यूनिक कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है? ट्यूनिसिन की बनी होती है, जो कि एक तरह का एलाइड सेलुलोज है। यहाँ पर कोई भी अपेंडिसेस नहीं पाए जाते। हाँ, नोटोकार्ड पाए जाते हैं, बट ये कब पाए जाते हैं? दे आर फाउंड ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा एंड डिसअपीयर्स इन द एडल्ट। तो ये कुछ फीचर्स हैं, वन बाय वन लिख लेते हैं। फर्स्ट, द बॉडी इज अनसेगमेंटेड, बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं पाया जाता। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे डू नॉट हैव एनी टेल। ठीक है, तो यूजली टेल क्या होती है? एब्सेंट। नाउ थर्ड पॉइंट, इन द केस ऑफ यूरोकॉर्डेटा द बॉडी इज कवर्ड बाय द टेस्ट और ट्यूनिक। सो बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिक, इसी को हम क्या कहते हैं? इट इज आल्सो नोन एज टेस्ट और टेस्ट व्हिच इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। Made up of tunicin, which is a allied cellulose. ठीक है, तो this is the covering, जो covering portion पाया जाता है वो बना होता है ट्यूनिशन का। यहां पर अपेंडिसेस नहीं पाए जाते। थर्ड फोर्थ पॉइंट, दे डू नॉट पजेस एनी अपेंडिसेस। कोई भी यहां पर अपेंडिसेस आपको देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, नोटोकॉर्ड फाउंड ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज, और वो लार्वा में कहाँ पाया जाता? टेल ऑफ लार्वा। प्रेजेंट टेल ऑफ लार्वा एंड absent in adult form में आपको notochord देखने को नहीं मिलता, या disappear कह सकते हैं, धीरे धीरे वो disappear हो जाता है। यहाँ पर सीलोम नहीं पाए जाते, but digestive tract complete पाई जाती है। next point लिख लीजिए, हाँ, सिलोम एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट, सिलोम एब्सेंट नहीं पाए जाते। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट
राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये गिल्स के थ्रू होती है, सो वी कैन से कि दे हैव अ फेरेंजियल वॉल एंड फेरेंजियल गिल स्लिट बाय व्हिच दे टेक रिस्पायरेशन। द रिस्पायरेशन इज डन बाय द रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड न्यूमरस गिल्स आर फाउंड। तो यहाँ दो से ज़्यादा, टू और मोर देन दैट, न्यूमरस गिल स्लिट्स आर फाउंड इन द फेरेंजियल वॉल। तो लिख लीजिए, थ्रू द टू न्यूमरस गिल स्लिट विच इज फाउंड ऑन द फेरेंजियल वॉल। ये दो या उससे ज्यादा पाए जा सकते हैं, टू और न्यूमरस गिल स्लिट्स आर फाउंड एंड दे हेल्प इन द रिस्पायरेशन। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, सिंपल ट्यूबुलर वेंट्रल हार्ट मौजूद होता है। तो लिख लीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, there is a open type of circulatory system found, open type, okay all right। So circulatory system is open type and they have a simple tubular ventral heart, simple tubular सिंपल ट्यूबुलर वेंट्रल साइड में पाया जाता है, वेंट्रल हार्ट, राइट। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते, नर्वस सिस्टम। इन द केस ऑफ यूरोकार्डेट्स, द नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन द एडल्ट्स बाई अ सिंगल डॉर्सल गैंग्लियॉन। ठीक है, रिप्रेजेंट बाई सिंगल डॉर्सल नर्व गैंग्लियॉन। नाउ नेक्स्ट, यहां पर जो यूरोकॉर्डेटा पाए जाते हैं इनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स में भी रखते हैं, क्योंकि अक्सर इनको प्रोटोकॉर्डेट के नाम से ही बुलाया जाता है। लार्वा हैज अ हॉलो नर्व कार्ड, जो लार्वा स्टेज पाई जाती है उसमें हॉलो नर्व कार्ड मौजूद होते हैं, राइट। तो लिख लेते हैं, द लार्वा हैव हॉलो नर्व कार्ड। Notochord, the larva have hollow nerve cord। ठीक है, larva के केस में hollow nerve cord मौजूद रहती है, पाई जाती है। नाउ लुक एट द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कैसा पाया जाता है। यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम नेफ्रोसाइट कहते हैं, पाइलोरिक ग्लैंड भी पाई जाती है, या फिर न्यूरल ग्लैंड के थ्रू यहाँ पर एक्सक्रीशन होता है। नाउ हेडिंग डाल दीजिए, एक्सक्रीशन, एक्स
एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रोसाइट। With the help of nephrocyte or pyloric gland, or with the help of neural gland, okay? Excretion के बाद आता है sexes. यहाँ पर सेक्सेस कैसे होते हैं? बेसिकली जो सेक्सेस होते हैं यहाँ पर यूनाइट होते हैं और हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पाया जाता है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है जो बडिंग के फॉर्म में पाया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन के पहले हेडिंग डाल देते हैं सेक्सेस। Sexes are united. Okay, that means male and female both are found together. Now reproduction. Reproduction is of two types. First, asexual. असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेसिकली बडिंग प्रोसेस पाई जाती है और किसी किसी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखने को मिलता है। तो असेक्सुअल मोस्टली बडिंग, राइट? नाउ नेक्स्ट आता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ज़्यादातर चांसेस होते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन के, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, राइट? एक्सटर्नल प्रोसेस पाई जाती है, ओके? एंड दे एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लार्वल स्टेज पाई जाती है जो कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो डेवलपमेंट में लिख लीजिए कि कैसा पाया जाता है, इनडायरेक्ट, ठीक है? लार्वल स्टेज फाउंड, ओके? और ये लार्वा क्या करते हैं? ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करते हैं। लार्वा गोज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ओके, सो इन दिस वे लार्वा कन्वर्ट इनटू द एसीडियन टैडपोल। और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? एंड दिस लार्वा इज नोन एज एक्सीडियन लार्वा, ठीक है? इसके एग्जांपल हैं, सबसे पॉपुलर एग्जांपल है जिसे हम सी स्क्वाड कहते हैं या हार्डमानिया। हार्डमानिया के नाम से जानते हैं, सेल्पा है, एसीडिया है, डोलोडियम है। दूसरा एग्जांपल सेल्पा, ठीक है? एक और लिख लेते हैं, एसीडिया है। देखिए ये तीन एग्जांपल है एसिडियन लार्वा के। नाउ हेडिंग डाल दीजिए सिफेलो
कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा के बाद नेक्स्ट आता है सिफेलो कॉर्डेट्स। इन द केस ऑफ सिफेलो कॉर्डेट द बॉडी इज लाइक अ फिश एंड दे आर एडाप्टेड फॉर द बोरोइंग एंड स्विमिंग। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो फिश लाइक होते हैं, वो बोरोइंग और स्विमिंग के लिए एडाप्टेड होते हैं। इनमें हेड रीजन नहीं पाया जाता बट दे पजेस टेल, टेल पाया जाता है बट हेड नहीं पाया जाता। तो फर्स्ट फीचर लिख लीजिए, बॉडी फिश शेप्ड, राइट। सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट हैव हेड। अच्छा, हैबिट के बारे में लिख लीजिए, दे बिल्ड बोरोइंग एंड स्विमिंग हैबिट। ये बोरोइंग करने के लिए, ठीक है, और स्विमिंग के लिए हैबिचुअल होते थे एंड स्विमिंग। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ हेड बट टेल इज फाउंड। यहां पर लैक यानी टेल पाए जाते हैं बट हेड नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, पेयर्ड अपेंडिसेस एब्सेंट, यानी जो अपेंडिसेस हैं वो पेयर्स में नहीं पाए जाते। मीडियन फिन्स लाइक डॉर्सल, वेंट्रल, कॉडल, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। पेयर्ड अपेंडिसेस एब्सेंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, दे पजेस कॉडल, वेंट्रल, वेंट्रल, वेंट्रल एंड टॉर्सल फिन्स। यहां पर तीनों ही डॉर्सल फिन्स पाए जाते हैं, मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, यानी टेल से लेकर हेड तक पूरे एंटायर बॉडी में पाया जाता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड फाउंड इन द एंटायर बॉडी। पूरे ही बॉडी में मौजूद रहता है, यानी हेड से लेकर टेल तक पाया जाता है। नेक्स्ट, द नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। दूसरी खास बात यह कि जो नोटोकॉर्ड यहां पर पाया जाता है वो थ्रू आउट द लाइफ मौजूद रहता है। नोटोकॉर्ड, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट एंड इट इज फाउंड थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहता है यानी उसकी लाइफ साइकिल में, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ये पाया जाता है, थ्रू आउट द लाइफ, यानी जब तक ये सर्वाइव करता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। Now a true enterocoelous coelom is found। यहाँ पर true coelom condition पाई जाती है, which is however reduced in the pharyngeal region। यानी pharyngeal region जहाँ पर पाया जाता है slightly वहाँ पर reduce होती है। Digestive tract पाया जाता है जो कि complete होता है। Circulatory system closed होता है और जो heart पाया जाता है उसमें respiratory pigment यानी blood मौजूद होता है। तो फेरेंजियल गिल स्लिट है वो न्यूमरस पाई जाती है,
ज़्यादा संख्या में पाई जाती है फॉर द बेटर डेवलपमेंट. ब्रेन इज इनडिस्टिंक्ट यानी ब्रेन कन्फर्म नहीं होती, राइट. नो पेयर्ड सेंस ऑर्गन्स यानी आईज, ईयर्स, नेयर्स, ये सभी कुछ भी नहीं पाए जाते. और एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है सोलेनोसाइट के साथ, ठीक है. यहाँ पर भी जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और जो डिवीजन होता है वो होलोब्लास्टिक होता है और लार्वा में प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन पाई जाती है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एम्फियोक्सिस. तो एक बार डायग्राम बनाते हैं फिर इन चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट लिख डायग्राम बनाते हैं. थोड़ा सा एलांगेटेड होगा.